सिंगरौली जिले में थर्मल पावर प्लांट निगरी के विस्थापित परिवारों को 10 वर्ष बाद भी सड़क, शौचालय और बस की सुविधा नहीं मिल पाई। थर्मल पावर प्लांट निगरी की सोना उगलती जमीन कुर्बान करने वाले हजारों विस्थापितों को वर्षों बाद भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। निगरी गांव के विस्थापितों का कहना है कि पूरे गाँव में 1200 के लगभग विस्थापित परिवार हैं। कॉलडोम बनाने के दौरान सिंगरौली जिले के सराय तहसील अंतर्गत निगरी गांव का सबसे ज्यादा विस्थापन की चपेट में आया था। कहाँ के निवासी हैं? कंपनी में आपकी कितनी जमीन फंसी थी? कंपनी में हमारा पट्टेदारी वाला नहीं फंसा, नहीं रहा जमीन आई। और आवास में कितने लोग रहते होंगे यहाँ पे? जो कंपनी जेपी कंपनी के आवास विस्थापित आवास बनाई गई है, तो लगभग कितने लोग रहते होंगे? अपन घर को मानेंगे बताएं। नहीं, टोटल यहाँ पे अंदाजा कितने लोग रहते होंगे? पाँच सौ लगभग। और कितने घर दिया गया आवास के लिए? सब अपन अपन बनाए हैं, वैसे दिखेगा कंपनी वाला कौन नहीं ले है। मतलब कंपनी की तरफ से घर नहीं बना है? सब पैसा 75,000 दे रही तो सब अपन अपन बना ली ना, वो एक एक कमरा घर दे रही तो एकर गुजारा हो सुअरी बड़ा। और क्या समस्या है आवास के? सब बना है आवास में आने जाने के लिए रोड वगैरह कोई सुविधा है? वहाँ कटाई फिर जा तो फिर आवास में आवा और निगरी के जा तो कटाई फिर तब निगरी जा। तो इस चीज की आवाज आप लोगों आवास जितने आवास वाले हैं रहते हैं यहाँ, तो इस चीज की आवाज क्या कंपनी प्रबंधक के जिला प्रशासन उठाए हैं? मतलब अधिकारियों से शिकायत एक बार किए हैं आप इस मामले में? कजानी कई बेर हो गया शिकायत की कजानी तो, ऐसा आवा था कजानी कई बेर की ऐसे पूछ ले ही जान ले ही चले जाए ही कौन ओकर मतलब नहीं मिले। मतलब अधिकारी आवास में आते हैं? अधिकारी आते ना। हाँ, तो क्या आश्वासन देके जाते हैं? हो गया सुन जान ले हो जाएगा करवा देंगे हो गया फिर के लौटते नहीं है।